Assalamu alaikum, dear students, my viewers. How are you all? I hope you all are fine. आज फिर से हम वेलकम करते हैं आपको अपने YouTube चैनल में और आज का टॉपिक हमारा होगा नाइट्रिक एसिड. उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन देखेंगे और उनका स्ट्रक्चर भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड दिस लेक्चर इज फॉर क्लास 12th. वैसे तो ये 11th वालों के भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th के बच्चों के लिए. तो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आज आपको सीखने को मिलेगा. एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है और बच्चों को अमूमन कंफ्यूजन रहता है नाइट्रिक एसिड के ऊपर, इसका स्ट्रक्चर कैसा है या इसकी जो प्रिपरेशन है, पर्टिकुलरली जो इसकी प्रिपरेशन है ओस्टवाल्डर्स प्रोसेस, कैसे हम ओस्टवाल्डर्स प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर करते हैं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज नाइट्रिक एसिड हैविंग द फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HNO3. दिस इज आवर नाइट्रिक एसिड. सुना होगा आपने बहुत बार लेबोरेटरीज में इसका जिक्र होता है, इसका इस्तेमाल होता है नाइट्रिक एसिड का. इस नाइट्रिक एसिड को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, मैं आपको आज उनके दर्शन करा देता हूं. तो नाइट्रिक एसिड के अलावा ये जो हमारा HNO3 है, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वाफोर्टिस. इक्वाफोर्टिस, इक्वाफोर्टिस जो है इट इज ए लेटिन वर्ड विच मीन्स स्ट्रॉन्ग वाटर, मीन्स इट इज कंप्लीटली मिसेबल in water, that is why it's also known as aquafortis. And this nitric acid, as you know, contains one hydrogen atom, one nitrogen atom and three oxygen atoms with itself. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ये जो नाइट्रिक एसिड है. ठीक है, यूजुअली ये जब प्योर होता है, जब ये प्योर स्टेट में होता है तो कलरलेस होता है, कलरलेस होता है. लेकिन अगर आप इसको स्टैंड करोगे, इसका जो सैंपल होगा बहुत पुराना होगा, तो क्या होता है ये येलो कलर का दिख जाता है, येलो कलर. जो ओल्ड सैंपल होता है लेबोरेटरी में आप देखोगे, जो पड़ा हुआ आपका सैंपल मिलेगा वो क्या होता है, येलो कलर का होता है. तो ये जो नाइट्रिक एसिड है इसकी हम कुछ प्रेपरेशन देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी लेबोरेटरिकल प्रेपरेशन, की लेबोरेटरी में इसको स्मॉल स्केल पे कैसे प्रेपर किया जाता है. लेबोरेटरी प्रेपरेशन, लेबोरेटरी preparation of nitric acid. तो लेबोरेटरी में इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बहुत सा सिंपल तरीका मैं आपको बोलने वाला हूँ, जिससे आपको ये याद रहेगा कि लेबोरेटरी में हम नाइट्रिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करते हैं. एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रिक एसिड जो होता है इसमें हाइड्रोजन होता है. ठीक है, अगर हम नाइट्रिक एसिड को यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है HNO3, अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करें तो क्या नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, एक होता है H पॉजिटिव और दूसरा पार्ट होता है NO3 नेगेटिव. नाइट्रिक एसिड में दो तरह के आयन्स होते हैं, एक होता है H पॉजिटिव दैट्स प्रोटॉन और दूसरा होता है NO3 नेगेटिव. यानी H पॉजिटिव होता है, इसमें हाइड्रोजन आयन होता है और NO3 नेगेटिव होता है. अब आप माइंड में ये गेस करो कि अगर आपको नाइट्रिक एसिड को बनाना है आपको कौन सी चीजें चाहिए. सबसे पहले आपको ऐसा कोई मटेरियल लेना, आपको ऐसा कोई कंपाउंड लेना है which will give you H positive. तो आपको पता है dear students कि हमारे पास वाहिद ऐसे substances हैं जो H positive देते हैं, they are known as acids. तो हमें पता है कि acids जो होते हैं, acids क्या करते हैं, ये हमेशा क्या देते हैं, H positive देते हैं. Means एक जो हमारे पास reactant होगा वो कौन सा होगा, वो acid होगा, क्योंकि वो हमें H positive देगा. अब हमें सोचना है कि NO3 negative, ये जो nitrate ion है ये कहां से मिलेगा, ये हम किसी भी metal nitrate से ला सकते हैं. ठीक है, तो हमारे जो रिएक्टेंट्स है हमने गैस किया और हमारा गैस सही है कि नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए हमें H पॉजिटिव चाहिए और NO3 नेगेटिव चाहिए. H पॉजिटिव कहां से मिलेगा, किसी भी एसिड से, क्योंकि एसिड हमेशा H पॉजिटिव देता है. और NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन कहां से मिलेगा, किसी भी मेटल नाइट्रेट से, जो हम यहाँ पे ले रहे हैं सोडियम नाइट्रेट. तो पहली जो प्रेपरेशन है, जो लेबोरेटरी का प्रेपरेशन है किसकी, नाइट्रिक एसिड की, दैट इज रिएक्शन बिटवीन, किस किस के दरमियान, रिएक्शन बिटवीन सोडियम नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट विल फर्निश H पॉजिटिव आयन, और सोडियम नाइट्रेट हमें NO3 नेगेटिव यानी नाइट्राइट आयन मिलेगा. रिएक्शन देखेंगे हम क्या है, इफ आई विल टेक सोडियम नाइट्रेट दैट इज NaNO3, ये पता होनी चाहिए आपको, फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए. दिस इज सोडियम नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे,
इसकी रिएक्शन करेंगे H2SO4 के साथ, तो क्या होगा? आपको पता है H2SO4 में कितने H पॉजिटिव होते हैं? दो H पॉजिटिव होते हैं. वी कैन राइट इट, दिस इज H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, द सेकंड H2SO4. तो यहां से क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट में क्या है, Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव. तो यहां से एक H पॉजिटिव और यहां से NO3 नेगेटिव क्या करेंगे, रिएक्ट कंबाइन होंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव देगा, सोडियम नाइट्रेट अपना नाइट्रेट आयन देगा, दिस H पॉजिटिव विल कंबाइन विद NO3 नेगेटिव, इट विल फॉर्म HNO3. तो हमें क्या है, अपना जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो तो मिल गया. बाकी जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, यहाँ पे Na पॉजिटिव है और यहाँ पे HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट आयन है, तो Na पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन होगा, HSO4 के साथ, इट विल फॉर्म NaHSO4 एंड दिस इज नोन एज सोडियम बाई सल्फेट. सिंपल सी रिएक्शन है, प्रेपरेशन है, जिसमें हम सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड हमें मिल जाता है और बाय प्रोडक्ट की शक्ल में सोडियम बाइसल्फेट मिलता है. रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो दैट शुड बी, दैट मस्ट बी लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मस्ट बी लो. हाउ मच, इट मस्ट बी बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आप टेम्परेचर 200 डिग्री से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगर आपने रिएक्शन की है, सेम रिएक्शन की है लेकिन आपने टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन 200 डिग्री लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं, यही कि सोडियम नाइट्रेट की जब भी रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक एसिड की लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर वी कैन से बिलो, लो टेम्परेचर क्यों बोल रहे हैं, इन कंटेक्स्ट कि 200 डिग्री से कम होना चाहिए, तो नाइट्रिक एसिड बनेगा और सोडियम बाइसल्फेट बनेगा. लेकिन अगर आपने 200 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर का इस्तेमाल यहाँ पे किया है तो आपको नाइट्रिक एसिड की जगह क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट यहाँ पे मिलता है. ठीक है, तो टेम्परेचर का यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है. तो ये आपकी लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन है, सिंपल प्रिपरेशन है, सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड से हम कैसे नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं. यहां पे एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये जो मेरा नाइट्रिक एसिड है दैट इज HNO3, ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इट हैज बीन फाउंड, अगर आप नाइट्रिक एसिड को लॉन्ग ऑक्सीडेशन करा रहे हो या वी कैन से लॉन्ग स्टैंडिंग पे, ज्यादा बेहतर रहेगा इफ आई विल राइट हियर, लॉन्ग स्टैंडिंग. आपने किसी रिएजेंट बोतल में नाइट्रिक एसिड को रखा है, ठीक है, आपने इसकी लिड बंद की है या लिड खुली भी रखी है, ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है किसमें, NO2 में, दैट इज नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड. और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है, ये एक येलो ब्राउन कलर का गैस होता है. ठीक है, तो हमने शायद आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो नाइट्रिक एसिड होता है जब प्योर होता है तो कलरलेस होता है, लेकिन जो ओल्ड सैंपल्स होते हैं वो येलो कलर्ड के दिख जाते हैं. क्यों, क्योंकि एक्चुअली उसमें जो नाइट्रिक एसिड जो होता है काफी समय तक अगर आप इसको रख रहे हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में, जो कि एक येलो ब्राउन कलर का गैस होता है. ठीक है, तो ये हमारी होगी लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन. ओके, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, नाउ वी विल डिस्कस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, दैट इज हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्डर्स प्रोसेस. एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि नाइट्रिक एसिड को आप कैसे ओस्टवाल्डर्स प्रोसेस से मैन्युफैक्चर कर सकते हो ऑन ए लार्ज स्केल, कमर्शियली हम कैसे, दिस इज ओस्टवाल्डर्स प्रोसेस. ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चों को अमूमन कंफ्यूजन रहता है कि ओस्टवाल्डर्स प्रोसेस से हम कैसे नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ऑन ए लार्ज स्केल, कमर्शियली हम इसको कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. तो ये जो ओस्टवाल्ड थे, एक्चुअली जो केमिस्ट थे जिन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया उसी के नाम पे इस प्रोसेस का नाम है, इनका नाम था विलहेम ओस्टवाल्ड
विलहेम ओस्टवाल्ड का नाम था, और 1902 में उन्होंने ये प्रोसेस, ये मेथड डेवलप किया था। 1902 में उन्होंने ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस को डेवलप किया था, ठीक है। अब ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस में तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स, यानी तीन स्टेप्स पे ये पूरी जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है, और तीन स्टेप्स में ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर किया जाता है। आइए देखिए, हम देखते हैं कि कैसे हम इस ओस्टवाल्ड प्रोसेस को के थ्रू नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट हमारा रहेगा, हमें करना है क्या है, नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर करना है लार्ज स्केल पे बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो पहला जो हमारा स्टेप है उसमें क्या होता है कि जो अमोनिया है, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं आपको, अमोनिया जो है जिसको हमने मैन्युफैक्चर किया था हाइबरस प्रोसेस से, अगर आपको याद होगा, जिन्होंने वो लेक्चर देखा होगा या जिन्होंने बुक्स में पढ़ा होगा कि अमोनिया को हम मैन्युफैक्चर करते हैं हाइबरस प्रोसेस से। तो जो हमें अमोनिया वहां पे मिल रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। पहला स्टेप ही है कि अमोनिया जो हाइबरस प्रोसेस के थ्रू हमें मिला होता है उस अमोनिया को हम ट्रीट करते हैं एयर के साथ, डस्ट फ्री एयर, ठीक है, डस्ट जिस जो प्योर होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, डस्ट फ्री एयर के साथ इसकी क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर हम ले रहे हैं 500 केल्विन, हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हैं। तो अमोनिया कि जब भी हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, इसकी कॉम्बिनेशन किसके साथ करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जो आयर में मौजूद होता है, वी गेट NO, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, प्लस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ H2O, वाटर भी यहां से मिलेगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले, 4 times नाइट्रोजन, 4 times 4 3s are 12, ठीक है, तो 6 2s are 12, तो हाइड्रोजन भी आपका 12 आ गया। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन मेरे यहाँ पे है 4 6 6 plus 4 10, तो इसको लिखेंगे 5 times। तो पहला स्टेप रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स कि अमोनिया की रिएक्शन जब किसके साथ होती है, डस्ट फ्री एयर के साथ जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है, इसको जब हीट किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा जो प्लांट होता है जिसमें हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये जो प्लांट होता है किसमें इसको करते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्टर। मैं अभी प्लांट भी आपको दिखाऊंगा, कन्वर्टर में ये प्रोसेस होती है, एक चैम्बर होता है जहां पे अमोनिया और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होती है, हीट किया जाता है इन दोनों को, यहां से क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड यहां से 6 molecules ऑफ वाटर भी यहां पर बनते हैं। स्टेप फर्स्ट है, नाउ वी विल मूव टू स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में क्या हो रहा है कि ये जो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड यहां पे मिल गया है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमें मिल गया है यहां पे क्या है कि ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन होती है फर्दर किसकी, नाइट्रिक ऑक्साइड की, विद अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, यानी अमोनिया की जब हमने अमोनिया को जब हमने हीट किया था ऑक्सीजन के साथ तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिला था, लेकिन कुछ ऑक्सीजन पीछे रह जाता है, उससे फर्दर ऑक्सीडेशन होती है किसकी, नाइट्रिक ऑक्साइड की। तो ये जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, इस नाइट्रिक ऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, ये रिएक्शन जो होती है ये रिवर्सिबल होती है, यानी इट कैन गो इन द फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारा है, इस नाइट्रिक ऑक्साइड की क्या होती है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है और हमें मिल जाता है NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एक ब्राउन कलर का गैस होता है। तो स्टेप सेकंड में क्या है कि जो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन एयर हमारे पास होता है उससे फर्दर नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है और बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एक ब्राउन कलर का गैस होता है, ब्राउन कलर्ड गैस। तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, पहले स्टेप में अमोनिया की ऑक्सीडेशन हुई, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, सेकंड स्टेप में जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है उसकी फर्दर अनरिएक्टेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। नाउ अब थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप जो है, लास्ट स्टेप जो इसका है, तो कैसे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड को बनाते हैं। तो स्टेप थर्ड जो मेरा है,
स्टेप थर्ड जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है सेकंड स्टेप जो होता है, ये जो जिस प्लांट में ही होती है किस चैम्बर में होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर, ऑक्सीडेशन चैम्बर। ठीक है, यानी पहला स्टेप जो है जिसमें अमोनिया की ऑक्सीडेशन होती है एट 500 केल्विन टेम्परेचर, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होते हैं दैट इज प्लैटिनियम हम यूज कर सकते हैं या हम रोडियम यूज कर सकते हैं, प्लैटिनियम और रोडियम यूज होते हैं यहाँ पे एज कैटलिस्ट, और इस चैम्बर को बोलते हैं कन्वर्टर और कैटालिटिक चैम्बर, कैटालिटिक चैम्बर, क्योंकि यहाँ पे हम रिएक्टेंट्स को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, स्टेप सेकंड में नाइट्रिक ऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है डियर स्टूडेंट्स, और बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जिस चैम्बर में ये रिएक्शन होती है क्योंकि यहाँ पे सिंपली ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन सिंपली क्या होती है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें होता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे पास होता है इसकी एब्जॉर्प्शन होती है वाटर के साथ। ठीक है, यानी वाटर के साथ इसकी क्या होती है एब्जॉर्प्शन, एंड वी विल गेट HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, प्लस यहां पे क्या बनता है फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग दिस, कि थर्ड स्टेप में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का हमें मिला था उसका क्या हो रहा है यहाँ पे, उसको हम ऐड कर रहे हैं वाटर, यानी उसकी डाइल्यूशन हो रही है, तो एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड, और यहां से रिलीज हो रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या हो रहा है रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड, तो यही तो हमें चाहिए था नाइट्रिक एसिड, तो स्टेप थर्ड में हमें नाइट्रिक एसिड मिल गया और यहां पे हमें मिल गया है नाइट्रिक ऑक्साइड। इस स्टेप की खास बात मैं आपको बोल दूं कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो यहाँ पे मिलता है इसको हम फिर से स्टेप सेकंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दिमाग लगाओगे आप देखो कि स्टेप सेकंड में जो हमारा मेन जो रिएक्टेंट है वो कौन है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस ये जो यहाँ पे साइकिल इसको रिसाइकल किया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो यहाँ पे मिलता है इसको फिर से स्टेप सेकंड में इस्तेमाल करके नाइट्रिक ऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में एब्जॉर्ब होने से क्या होता है नाइट्रिक एसिड बनता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि यहाँ पे जो हमें बाय प्रोडक्ट मिल रहा है उसको हम ऐसे फेंक नहीं देते हैं, उसको हम फिर से रिसाइकल करते हैं स्टेप सेकंड में और हमारा फिर से कंटिन्यूअसली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, वैसे ही प्रोसेस होती है और वी गेट नाइट्रिक एसिड। एंड वन मोर थिंग कि जो नाइट्रिक एसिड हमें यहाँ पे मिलता है ना ये होता है डायल्यूटेड, क्योंकि पानी के साथ है डायल्यूटेड होता है तो इसको कंसेंट्रेट, तो स्टेप फोर भी हम कह सकते हैं, स्टेप फोर जो हमारा होता है यहाँ पे स्टेप फोर भी हम दिखा सकते हैं दैट इज कंसेंट्रेशन, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, यानी जो हमें ये एसिड मिला है डायल्यूटेड फॉर्म में इसको हम कंसेंट्रेट करते हैं कैसे, बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, इसकी डिस्टिलेशन होती है और